तो वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। क्या हाल है सभी का? होप सब अच्छे हो गए। गौरी है तो पंगे तो बनते हैं ना, पंगे तो बनते हैं ना। गौरी बनते हैं। गौरी आज तीसरा दिन है यही कपड़ों में, जाना कहीं होता नहीं तो फिर कपड़े क्यों चेंज करें, क्यों मम्मी को बार बार तंग करें, है ना अभी गौरी? इसलिए हम तंग ही नहीं करते, मतलब इसी कपड़ों में सालों ठंडे आ गई हैं यार। एक बारी ये कोई भी कपड़े डालो ना, ऐसे हो जाता है कि जैसे मतलब एक बारी कपड़े जो डाले हो तो उसमें निग पड़ जाता है, गर्माहट पैदा हो जाती है ना, तो फिर बार बार उतार के क्यों ठंडे ठंडे कपड़े डालने हमने। तो मम्मी जी को कोई काम नहीं है ना, काम दे तो हमारे को काम देते रहते हैं। ये देखो अभी कहते हैं पता नहीं क्या, मटर छीलो, जो कल मैंने टमाटर के जो मटर बनाए थे ना कहते उसको छीलो। राज तुम्हारे भाई को देख लो दोबारा से एक बार फिर, मतलब दोबारा मैं अपना ये कुछ चेंज करने वाला हूँ, थोड़ा स्टाइल चेंज करने वाला हूँ, क्योंकि कल है शादी और आज है डीजे नाइट, तो मजा आ जाएगा ना। क्या है ये? तो अभी हम पाटते हैं, सॉरी छीलते हैं, क्या छीलेंगे हम? मटर छीलेंगे, मटर। और दादी जी को नहाने की तैयारी हो रही है, मम्मी जी नहाने लगे हैं। दादी जी अरे दादी क्या, दादी हमारे इशारों में बातें करते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके। तो ये रे फिर मैं इसको टमाटर कहने लगा था, क्या यार, मतलब ये रे मटर और ये रे गौरी और ये रे पतीला और कैमरे के पीछे हम इसको छील लेंगे अभी, तो करते हैं स्टार्ट। गौरी हमारी मटर छील दिया नाच नाच के, एक बार दिखा देना को भी नाच के। भाई इतने इतने मटर छील दिए, उन्हें बाकी भी पड़े हैं। काम चल रहा है ना? ये कौन सा तरीका है मटर छीलने का भाई, बताना जरा मेरे को, हैं कौन से तरीके से तुम मटर छील रही हो हैं लड़की? ये देखो, देखो लो सही इसको जी। तो दाढ़ी छोटी करा ली और मुझे भी, क्योंकि थोड़ा बच्चा बच्चा लगना चाहिए यार, ज़्यादा ही बड़ा लगता हूँ मैं भी, वैसे इतना बड़ा हूँ भी नहीं जितना बड़ा मैं लगता हूँ एक्चुअली में। अब देखो यार मेरा थोड़ा रूप निखार के बाद थोड़ा बाहर आ रहा, अभी थोड़ी नहाएंगे थोड़ा और निखर जाएगा, क्योंकि मैं सुबह से नहाया ही नहीं हूँ। बाकी वैसे कटिंग भी करवानी थी मगर फिर टाइम हो गया इसलिए फिर हमने कटिंग करवाई। और बाकी शादी की तैयारियाँ चल रही हैं, मम्मी और ये निकल कपड़े कुपड़े प्रेस कर रहे हैं, अपन भी बस प्रेस करने लगे हैं थोड़ी देर में, क्योंकि मम्मी को बोला मेरे कपड़े प्रेस कर दो, बोले अपने कपड़े आप प्रेस क्या करो, अब तुम बड़े हो गए हो। इसी के साथ पापा जी भी बोले कि मेरे भी कर दे, फिर पापा जी के भी करने पड़ेंगे। पापा जी को बोला मैं निकाल के रखो फिर कर देते हैं। दाढ़ी अच्छी लग रही है अब छोटी छोटी, और अच्छी लग रही है तो। और आके पीलो चाय, करें स्वागत करें आज हमारे हर्षू का बड़े दिनों के बाद। छमिया हमारी नजर आ रही है, कहाँ थी रे तू, तेरे को कितना याद किया हमारे व्यूअर्स ने, बोले हमारी हर्षू जान किधर है, हमारी हर्षू जान किधर है, हमको नजर क्यों नहीं आ रही है। पता तुम वो लोगों ने कितना याद किया, बहुत ज्यादा याद किया ना तुमने इसको, याद हमारे छोटे से बच्चे को। यार मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ, ओह माय गॉड, छोटे छोटे बच्चा। नाइस, नहीं अच्छा लग रहा हूँ यार वैसे, बाल ऐसे करके तुम और अच्छा लग, ओह माय गॉड, अभी तो यही स्टाइल रहेगा अपन का, यही स्टाइल रहेगा अगर अच्छा लग रहा है तो। जिस दिन गुंडे वाला दिमाग घूम गया तो फिर ऐसे करके दाढ़ी लंबी, फिर से मुझे वापसे खचा खच। मैं कैसा, अच्छा लग रहा है वैसे ऐसे वाला? अरे मेरे भाई साहब तेरी बात कौन कर रही है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा अच्छा लग रही है। हाँ जी अच्छा लग रहा है भाई साहब, अच्छा लग रहा है। और कोई गल बात बताओ, कोई सब बढ़िया? इन्होंने तो गेम खेल लिया पूरी दिहाड़ी बैठ के, फ्री फायर में घुसे रहे। अच्छा अच्छा चलो छोड़ो यार, आप छोड़ो, सब बढ़िया। भाई सब लड़ते रहते हैं, ये पता नहीं कौन से कंजर खाने से भाग गया है, ये लड़े जाएंगे। मेरे को उस दिन दो दिन हो गए इसको ना आते को, तीसरे दिन मेरे को मैसेज कर रहा है, मैं चाचू आज नहीं आने वाला, आओ खेल लेना। बंदा तैयार है, कपड़े शपड़े पा के लड़का तैयार हो चुका है, बाहर रहते हैं चलो थोड़ा बहुत रहता है, अपन भी तैयार हो गया। वैसे तो अपन तो वही पुराने, वैसे तो अपने में कुछ नया नहीं है, एक दाढ़ी छोड़ के वही बैंड है, वही
शर्ट ऐसे चल जाएंगे क्या है, नाचना ही है जाके। मेरा कौन सा वहाँ पे रिश्ता होने वाला जाके, जा मैं पूरा तैयार शहर हो गया होना भी। मतलब तो आज तो डीजे नाइट है, वैसे भी वहां जाके तो नाच के पसीना ही करना है, और तो कुछ होना नहीं है। आजकल की ये जनरेशन है भाई साहब, यही तैयार होंगे। अब हमारा तो टाइम ही चले गया यार। मतलब चलो जैसे भी है, जो भी है, हम तैयार हो गए हैं, हम जाएंगे, मजा करेंगे। हम तो मजा करने जाते हैं भाई साहब, मतलब ज़्यादातर तो। बाकी देखो मैं पापा हम क्या, हम सभी जा रहे हैं, दादी जी को तो कैसे जाएंगे, तो उनके लिए फिर हमारी जो बड़ी बुआ है जी हैं वो आ जाएंगे उतनी देर जितनी देर हम वहाँ पर जाएँगे, तो इनके लिए यहीं पर खाना ले आएंगे वहाँ से पैक करवा के। वैसे तो कम ही खाते हैं बाहर का, मगर फिर भी चलो थोड़ा बहुत ले आएंगे। आज कोई गेस्ट आए थे तो वो इतना बड़ा पपीता दे गए। चलो बाकी जय माता दी, जय कृष्ण जी, माथा टेक लो सारे, जय हो। ऐसे होते तैयार है, ऐसे तैयार होते हैं। हम तो हो गए थे, हाँ हम तो हो गए थे, मैं तो हो गया था ना। अब तेरी बारी है तो तेरा तो दिखा सकते हैं ना। तो रानी में बैठा जाए और चला जाए इसको। तो भाई साहब मतलब टाइम हो गया निकलने का, तो अपन निकलते हैं। मेरे को नहीं पता मेरी शक्ल आ रही है कि नहीं आ रही, क्योंकि फोन को मैंने उल्टा किया था कि मैं व्लॉग में आ जाऊं, और फ्लैश लाइट तो भाई साहब उधर ही है इस करके। बाकी भी ऋतिक से पूछे, ऋतिक ओ भाई देखना इधर कैमरे में आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ अब। तो भाई साहब मतलब टाइम होगा निकलने का, सारे तैयार हो चुके हैं। दो गाड़ियां जा रही हैं, एक हमारी है और एक दीदी की मम्मी की है, क्योंकि दीदी के वो यहीं पे रहते हैं ना। तो भाई साहब ठंड बहुत है, बाल हमने बथेरे सेट किए नहीं हुए। एंड द फाइनल लुक, यो मैन कैसा लग रहा हूँ, लग रहा हूँ थोड़ा घंट। ओह माय गॉड, मेरे को तो लग रहा है, मेरे को तो मजे की कुख नहीं आ रहा, मैं क्या बताऊंगा कैसा लग रहा हूँ। और बाकी अब चलते हैं, तो मतलब बस अब अपनी रानी जी को बाहर निकालेंगे। मतलब ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है। ओहो हो, ये तो किया ही नहीं अभी तक हम। जय माता दी। तो यहाँ पे लगाएंगे भी पार्किंग, तब तक के लिए तैयार हो? यस, अपन भी तैयार है। मैंने सोचा एक बार लाइट जगा। जी तो करते हैं व्लॉग एंड पार्टी में जाके आ गए, मतलब सूखे सूखे गए, और सूखे सूखे आ गए वो इसलिए क्योंकि जागो वगैरह निकलनी थी तो घर पे लेट हो जाना था, सुबह पापा जी ने जाना है को वापिस आना पड़ा, तो फिर वापिस आ गए। अब कल शादी पे जाएंगे तो कल तो बस खाना पीना ही होगा, अब डांस थोड़ा। यार यहाँ पे 11 बजे डीजे बंद हो जाते हैं और उनकी जागो ही भाई साहब मतलब 10:30 बजे तक आई, फिर उसके बाद अभी फोटोशूट चल रहा, 15 मिनट रह गए। 15 मिनट में क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये शहर है यहाँ पे। तो 11 बजे तो बंद कर देते हैं सब कुछ, तो छुट्टी हो गई। कोई नहीं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए सुखी में रहे, शांति में रहे, और सबको खुशहाली तरह क्या खुशहाली। तो मतलब कल मिलेंगे इन नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए फिर मिलेंगे चलते 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 इन आर नेक्स्ट ब्लॉग।